हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ऑक्सीजन सेंसर के बारे में पढ़ाया था, जिस वाले फिगर पे आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन सेंसर साइलेंसर पे लगा होता है और इसमें से चार वायर निकलते हैं और ये ईसीयू को मैसेज देता है और ईसीयू क्या करता है, इंजेक्टर से फ्यूल को कंट्रोल करता है, जिससे आपका क्या होता है, ऑक्सीजन सेंसर के फीडबैक के कारण ही आपका प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, कई सारी बातें होती हैं ऑक्सीजन सेंसर से रिलेटेड, बट बेसिक बेसिक जो बातें हैं ना, आप उसको समझ लीजिए और बाकी मैं धीरे धीरे इसमें कई वीडियो ऐड करता रहूँगा, छोटी छोटी जानकारियाँ। तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको लाइक कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरे पास इस टाइप का सिस्टम नहीं है कि मैं इसमें, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपको एनिमेशन के थ्रू बताऊं ऐसे ऐसे चीज़ें, बट जो टेक्नीशियन लोग हैं ना, मैक्सिमम आप लोग क्या है, वर्कशॉप में वर्किंग हो, सो आप लोग चीज़ें जानते हो। देखो, अगर ऑक्सीजन सेंसर में फॉल्ट आ रहा है तो MIL लैंप ऑन हो जाएगा। अगर MI यानी जिसको आप BS6 लाइट बोलते हैं, अगर BS6 लाइट ऑन है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई भी BS6 लाइट आ तो आपको टैब लगाना चाहिए। टैब लगाने के बाद देखना चाहिए क्या कोई कोड आ रहा है क्या, तो उसमें आपको मिलेगा, जो कोड मिलेगा P0130O2 सेंसर ओपन सर्किट, P0131O2 सेंसर शॉर्ट टू ग्राउंड एंड P0132O2 सेंसर शॉर्ट। देखो, ये जो कोड्स है ना, आप इस कोर्स को नए याद करिए। जैसे अगर आप टैब लगाते हो, जैसे कि कुछ कंपनीज़ में टैब मिलेगा, कुछ कंपनीज़ में जो है हो सकता है कंप्यूटर मिले या वायर लगा के, जो भी डायग्नोस्टिक टूल आप लगाते हो, जैसे TVS मोटर कंपनी क्या है, राइड स्कैन टूल देती है, और बाकी बजाज में क्या होता है, जो VCI, देखो VCI सभी व्हीकल्स सभी कंपनियाँ यूज करेंगे, तो VCI और जो आपका इंटरफेस होता है उन दोनों के बीच में क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है, ECU और आपके बीच में। अब देखो, आपने टैग लगाया, अब आपकी कंपनी में जो भी डिवाइस मिले उसको आप कनेक्ट करो। अगर P0131 या P0130, 132 ऐसे आ रहा है, अगर ये कोड को भी आप छोड़ दो, आप केवल ये ध्यान रखो, O2 सेंसर ओपन सर्किट, O2 सेंसर शॉर्ट टू ग्राउंड एंड O2 सेंसर शॉर्ट, इस टाइप से आएगा। देखो, ऑक्सीजन सेंसर कुछ इस टाइप का होता है, ये इसका सेंसिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और ये इसका थ्रेड वाला होता है, ये आपको उसको टाइट करने के लिए जो इसका बोल्ट इसका सेप बना है, इसमें दो तार होते हैं जो हीटर वाले होते हैं। क्या होते हैं? हीटर वाले, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, ये हीटर वाले होते हैं। इसमें एक तार बैटरी से आता है, दूसरा माइनस से आता है। अगर आपका सेंसर खराब है, ठीक है, तो आपको इस दोनों तारों का क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए। और ये देखो सेंसर है, सेंसर वाला आप मेजर करने जाओगे तो आपको क्या दिखाएगा, ओपन सर्किट। हाँ, ये ओपन होता है, ये तब काम करता है जब जली हुई गैसें बाहर निकलती है, तो क्या करता है कि जब जली हुई गैसें इसके अंदर जाती है ना, तब वहाँ से क्या होता है कि ये दोनों आपस में करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, जिससे करंट पास होता है, जिसको ECU मेजर करता है। खैर, इसमें आप मेजर नहीं कर पाओगे, इन दोनों का रेजिस्टेंस मेजर करके देख सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, ऑक्सीजन सेंसर में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है मेरे टेक्नीशियन भाइयों, तो इसमें आप क्या करिएगा कि आप बेसिकली ना सेंसर चेंज करके ही देखिए, ये जब भी कोड आए। अच्छा, देखो, अगर ये अब कोड आ रहा है तो आप क्या करना चाहिए, सेंसर चेंज करने से पहले ना आपको मल्टीमीटर लेना चाहिए और इन दोनों तारों पे लगा के चेक करना चाहिए, भले आपके पास वायरिंग डायग्राम होगा। अगर आपकी कंपनी में वायरिंग डायग्राम नहीं है या फिर आपके वर्कशॉप में वायरिंग डायग्राम नहीं है, तो टेक्नीशियन भाइयों याद रखना, आपको कुछ नहीं आता, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस गाड़ी का वायरिंग तो आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपके पास वायरिंग नहीं है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये प्लस वाला तार कहाँ से आ रहा है। ये प्लस वाला तार डायरेक्ट बैटरी से आता है, जैसे आप चाबी ऑन करते हो ये करंट जो है क्या होता है, ऑक्सीजन सेंसर पे आ जाता है, और ये ECU का माइनस आता है। और ये दो तार होते हैं जो सेंसर वाले होते हैं, ये डायरेक्ट ECU से ही आते हैं, ठीक है। तो हमको इस पे वोल्टेज चेक करना है, एटलीस्ट इस पे वोल्टेज आ रहा है क्या, या ये ECU का माइनस आ रहा है कि ना। इसका हीटर काम नहीं करेगा तो सेंसर काम नहीं करेगा। बाकी मैंने आपको बोला कि इसको आप रिप्लेस करके देख लो, तो आप रिप्लेस करके देख सकते हो। दूसरा, सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ता है कि हमारी वायरिंग ओके है क्या। तो देखो, ये चारों तार होते हैं जो ना, ये क्या होता है कि ये आपका मान लो लगा है O2 सेंसर,
क्या लगा है, O2 सेंसर। ये चार तार ठीक है, एक तो बैटरी में चला गया प्लस वाला, बाकी तीन तार जो होते हैं ना ये ECU में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ECU में। तो आप एक काम करो, ये ECU को निकाल दो और या ECU का कपलर खोल दो। जैसे ही आप ECU का कपलर खोलोगे ये तीनों तार क्या हो जाएंगे, फ्री। तो अब यहाँ से इस तार की कंटिन्यूटी, इस तार से इस तार की कंटिन्यूटी और इस तार से इस तार की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर ये तीनों कंटिन्यूटी ओके है तो आपको ऑक्सीजन सेंसर बदलने की जरूरत है। देखो ऑक्सीजन सेंसर तब तक मत बदलो जब तक ये आप कंटिन्यूटी चेक कर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप कंटिन्यूटी चेक करो, देन उसके बाद अपना ऑक्सीजन सेंसर आपको पता चल जाएगा कि खराब है कि नहीं। अगर आपका ऑक्सीजन सेंसर बदलने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, देन आप ECU बदलो। मैक्सिमम टेक्नीशियन क्या करते हैं कि ECU को पहले बदल देते हैं, ये गलत हैबिट है, ठीक है। तो मेरे सभी टेक्नीशियन भाई इस बात का ध्यान रखना, कभी ऑक्सीजन सेंसर बेफिजूल का ECU नहीं बदलना, ठीक है। ECU बिल्कुल आखिर में बदला जाता है। सबसे पहले हम वायरिंग चेक करते हैं, देन ऑक्सीजन सेंसर चेक करेंगे, देन उसके बाद ECU को रिप्लेस करके चेक करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कोड ध्यान में रखिएगा, कोड भी नहीं याद रहे लेकिन ये पॉइंट्स याद रहे कि हाँ ये स्टार्ट टू ग्राउंड है। और ये तीन प्रोसेस मैंने बता दिया, पहला वायरिंग चेक करना, दूसरा ऑक्सीजन सेंसर चेक करना, तीसरा क्या करना, आपको ECU रिप्लेस करके गाड़ी को चेक करना है कि गाड़ी का प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं, ठीक है। ओके आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।